हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे घर के सामने है एक बहुत ही प्यारा गार्डन, मॉर्निंग वॉक गार्डन। इसमें इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जलकारी बाय, तिलक वाटिका, सिंथेटिक ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ये है आपका साइकिल ट्रैक। आप देखिए, साइकिल का ट्रैक का भी निशान लगा दिया है, लोगों लगा दिया है, जिससे आदमी जाए साइकिल से चला सकता है। और बाकी अभी देखिए, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग मैचेस खेलते हैं। और यहाँ वृक्षारोपण के चलते हुए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे पेड़ हैं ग्राउंड में, काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं, अशोक के हैं, नीम के हैं, पीपल के साथ लगते हैं, इससे पता नहीं। ये अच्छा उन्होंने कर रखा है, गेट बना रखा है। और ये सामने है वाल्मीकि वाटिका, इस वाटिका को अंदर चल के देखते हैं, देखिए कैसा है, कैसा बनाया है लोगों ने। चलिए अंदर आ गए हम लोग, अंदर से देखिए काफ़ी अच्छा बना के रखा है लोगों ने। और ये बनाया है महेश वालिमा वाल्मीकि वाटिका से, लालजी टंडन द्वारा बनाया गया है। ये अच्छे आदमी होंगे जिन्होंने बनवा दिया है, अच्छा सा ग्राउंड है ये आपका, और सब अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए इधर से देखें, सीढ़ी इधर से भी है आपकी, और ये अपना पूरा ग्राउंड है इधर का। चलिए इधर से चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक और साइकिल ट्रैक मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लाइट है जो अभी दिन के समय चल रही, क्यों चल रही पता नहीं। और आगे चल के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो रहा बैडमिंटन। ये एक मॉर्निंग वॉक का ग्राउंड है, बहुत अच्छा है, प्ले ग्राउंड भी एक तरह के समझ लीजिए, कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। पूरा नेचर ग्रीन है इसका, ग्रीन कानपुर जो बोलते हैं हम लोग, वो है जो खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और अब जो है वो है झलकारी बाई, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा था, मैंने आपको बोल दिखाए थे सारे टाइटल लगे थे कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उनमें से एक ये है झलकारी बाई, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा था। और इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी भी प्रतिमा लगी है मेरे कानपुर के नाना राव पार्क में। सबसे अच्छी प्रतिमा लगती है ये पूरे ग्राउंड में, बहुत शानदार बनाया है प्रतिमा को। वाल्मीकि जयंती में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मेला लगता है यहाँ पर। मेले से याद आया, यहाँ पे बना हुआ है एक ओपन जिम, देखिए लोग जिम कर रहे हैं। ओपन जिम का मतलब होता है कि एक पार्क में ही ओपन जिम बना रखा है, लोगों को जिम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, अपना मॉर्निंग वॉक हो जाता है, एक्सरसाइज होती है। और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़ा हों। क्या कर रहे हो बेटा? और ये देखिए लड़का एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत अच्छा। और ये है फ्रेंड्स सिंथेटिक रोड। सिंथेटिक रोड एक ऐसी रोड है, आप कुछ इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे ही पेड़, जैसे आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही पेड़ बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप गर्मी के समय आएंगे, आपको ठंडी ही लगेगी, हल्का हल्का मौसम गर्मा रहा है। लेकिन मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ कैसा है ऊपर का, देखिए पूरा हरा नेचर है, पूरा ग्रीन पेपर पेड़ है, बहुत बढ़िया है। और लोग यहाँ पे भी बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलने से एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए यहाँ पे सब यंग एज के, ओल्ड एज के सारे लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन। मैंने भी थोड़ी देर खेल लिया था, उसके बाद मैंने कहा लोग वीडियो बना लें। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग। अब जो देख रहे हैं ना, अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी जो यहाँ पे जो रोड है उसमें फिनिशिंग दी जाएगी। और रोड बहुत अच्छी है, कनेक्टिंग रोड है, हर जगह से एक रोड जुड़ी हुई है। आप एक बार रोड में चढ़ जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख लेके मैं कैसे मॉर्निंग वॉक का वीडियो बनाना है, वो तो पीछे देखे हुए वीडियो है। ये है वो टिकट घर, जो इसके पीछे बना हुआ है आपका स्विमिंग पूल, जिसका नाम हिंदी में है कानपुर तरुण ताल। ये है आपका शहीद स्थल, शहीद स्मारक बोलते हैं इसे। ये है बूढ़ा बरगद का पेड़। अठारह ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अब हम लोग चलते हैं मेमोरियल हॉल की तरफ। मेमोरियल हॉल अभी इस समय थोड़ा बहुत बन रहा है, चलिए हम चलते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, ये देखिए मेमोरियल हॉल पहले बहुत ही ऐसे ही था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा बना रखा है। आने वाले मई जून में मेरे ख्याल से पूरी तरह से ओके हो जाएगा। मिस्त्री लेबर सब लगे हुए हैं, सारे पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं, सब लग गया है, सब बढ़िया बन चुका है। और आप लोग करते हैं सही। ये है ओपन देसी जिम, ये जिम मान के चलिए ये है हाफ आई जिम, ये भी करेंगे अभी।
और उधर आपकी ये टिप्स है, पैर उधर किया जाता है, लेग इधर, हाथ इधर किया जाता है, इसमें इसको कहते हैं डीप डिप। डिप्स माने हाथों को पैरों को मिला के इसमें गहराई से हाथों को सारा लेकर ऊपर नीचे करने का। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाइक कर दीजिएगा, सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ये बताइए कि मैं आगे आने समय में आप कैसी वीडियो बना के दे सकूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आपको और भी कुछ वीडियो देखना हो कानपुर के बारे में, और भी कोई जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मैं आपको बता दूँगा, उसको जानकारी आपको मैं दे दूँगा, ओके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, कम से कम 2000 तो हो ही जाए आज की तारीख में,